Hello, what's up guys, it's your friend Rajit. Welcome into the channel and I hope that you all are absolutely fine. और इस वीडियो में मैं जिस बाइक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, वो बाइक अब तो टॉक ऑफ द टाउन हो चुका है एंड दैट इज TVS Raider 125. इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बाइक का पूरा स्पेसिफिकेशन डिटेल में बताऊँगा, पर उससे पहले इस बाइक के लुक्स को एक बार चेक कर लेते हैं. भाई लोग, ये बाइक का जो लुक है वो तो बहुत ही स्टाइलिश है जैसे कि आप लोगों ने देखा, पर इस बाइक में जो कलर वेरिएंट्स आते हैं ना, उसमें ब्लैक कलर स्टैंड आउट करता है. और अगर आप लोग मेरा प्रेफरेंस चाहोगे ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये बाइक ख़रीदना चाहते हो तो ब्लैक कलर मोस्ट बी एट द टॉप ऑफ योर प्रायोरिटी लिस्ट. भाई लोग, तो अभी बाइक के रिव्यू को शुरू करते हैं. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बाइक का रिव्यू हमेशा सिटिंग पोस्चर से शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिटिंग पोस्चर प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि अब जब भी ज़्यादा देर तक बाइक चलाते हो ना, तो सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना आपका राइड भी अच्छा रहेगा और आपका कंसंट्रेशन भी रोड पे बना हुआ रहेगा. और जैसे कि आप लोग इस बाइक में देख सकते हो, इस बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है दैट इज़ वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, एकदम भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है. और जिसके चलते आपके जो बैक पे या रिस्ट में कोई भी प्रेशर नहीं आएगा और कोई भी पेन नहीं होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा राइड इंजॉय कर सकते हो. तो अभी चले आते हैं इस बाइक के कॉकपिट व्यू पे. यानी एक राइडर जब बाइक राइड कर रहा है ना, तो उसका जो व्यू होता है फ्रॉम द टैंक टू द मीटर कंसोल, वो होता है कॉकपिट व्यू. और मेरे लिए वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बाइक का. यानी अगर आप बाइक चला रहे हो और आपका कॉकपिट व्यू अच्छा हो ना, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है एंड यू फील लाइक ड्राइविंग द बाइक मोर एंड मोर. तो इस बाइक में एक शानदार कॉकपिट व्यू आपको मिल जाता है, बहुत ही स्टाइलिश है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो. सो भाई लोग, मैंने सोचा क्यों ना इस बाइक का जो रिव्यू है वो सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करके स्टार्ट करें और देखें कि ये बाइक सिटी ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करता है एंड इस बाइक को सिटी ट्रैफिक में हैंडल और मैनूवर करना कितना आसान होता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जितना देर तक ये बाइक चला रहा हूँ ना, एक चीज़ तो बहुत ही साफ हो चुका है कि सिटी ट्रैफिक में ये बाइक एकदम परफेक्ट है एंड इट इज़ वेरी इजी टू मैनूवर. हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है एंड मोर ओवर द बैलेंस ऑफ द बाइक इज़ अमेजिंग. तो दोस्तों, इस बाइक में आप लोगों को मिल जाएगा एक स्ट्रेट हैंडल बार, जिसके कारण आपका जो सिटिंग पोस्चर होगा ना, वो थोड़ा सा अपराइट होगा, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा एंड दैट विल मेक योर सिटिंग पोस्चर कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश एट द सेम टाइम. सो अभी आ जाते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल पे. इस बाइक का जो मीटर कंसोल है, फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको दिया गया है एंड इस मीटर कंसोल के अंदर आपको सारी डिटेल्स आपको तकरीबन मिल जाती है, जैसे कि गियर इंडिकेशन हो गया, टाइम हो गया एंड इवन जब भी आप मोड चेंज करोगे या पावर मोड करोगे या इको मोड करोगे, उसके इंडिकेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को. एंड रिसेट और मोड का स्विच भी आप लोगों को साइड में मिल जाता है जब भी आप ट्रिप चेंज करना चाहते हो और कितना माइलेज दे रहा है, कितना आपका फुल रेंज है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको इस फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल में मिल जाता है. भाई लोग, बाइक के लुक के बारे में और क्या ही बताएं. इस बाइक में आप लोगों को एक नेकेड एग्रेसिव काइंड का लुक मिल जाता है और बाइक का जो हेडलाइट है वहाँ पर आप लोगों को LED पोजीशन लैम्प के साथ साथ LED हेडलाइट्स भी देखने को मिलेगी. सो टू गो विद द LED हेडलाइट्स, यहाँ पर आपको हैलोजन टर्न सिग्नल्स देखने को मिलेगा. मुझे लगता है ये इस बाइक का एक ड्रॉबैक है. अगर यहाँ पर LED इंडिकेटर्स होता ना, तो वो इस बाइक के लुक को और भी इन्हेंस करता. ये तो मेरा मानना है, आपका क्या मानना है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा.
सो भाई लोग अभी आ जाते हैं बाइक की सस्पेंशन की तरफ, एंड आई फील कि बाइक का सस्पेंशन कैसा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड इस बाइक में आप लोगों को सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा एंड पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन रहेगा। सो बाइक का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड में है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टिफर सस्पेंशन जब आप खराब रास्ते से जाओगे ना उतना कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, पर इस स्टिफनेस के वजह से ही बाइक का हैंडलिंग जो है एंड जो बैलेंस है वो इतना अच्छा है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। सो भाई लोग अभी आ जाते हैं बाइक के सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ द हार्ट ऑफ द बाइक इंजन की तरफ, और यहाँ पर आप लोगों को 125cc का BS6 कंप्लायंट का इंजन देखने को मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करता है 11.38 PS एंड 11.2 Nm का टॉर्क। द टॉर्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, और इसमें आप लोगों को ETFI टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलता है एंड ऑल्सो इट इज़ फ्यूल इंजेक्टेड। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इंजन इज दैट कि इस बाइक में आप लोगों को एयर एज वेल एज ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ गए हाईवे पर, तो चलो बाइक को थोड़ा सा खींचते हैं और इस बाइक का जो पावर है उसको फील करते हैं और आपको बताते हैं कि मुझे इस बाइक का पावर कैसा लगा। भाई लोग अभी पावर के बारे में बात करते हैं, तो इनिशियली पिकअप इज अमेजिंग, इनिशियल टॉर्क एंड मिड रेंज में आपको बहुत ही अच्छा टॉर्क देखने को मिलेगा एंड द पावर डिलीवरी इज अमेजिंग। बट हाँ, टॉप एंड में आपको उतना टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा एंड पावर डिलीवरी बिकम्स फ्लैट, बट द इनिशियल एंड द मिड रेंज इज अमेजिंग। इफ़ आई टॉक अबाउट द रिफाइनमेंट, TVS हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब भाई लोग, एंड आपको यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन एंड हार्शनेस कोई भी फील नहीं होगा, एंड ऑल्सो द एग्जॉस्ट नोट इज जस्ट अमेजिंग। वाना हियर इट, चलो थोड़ा सा एग्जॉस्ट का साउंड सुन लेते हैं। सो अभी आ जाते हैं बाइक के डुअल मोड्स पर, यहाँ पर आप लोगों को इको मोड एंड पावर मोड देखने को मिलेगा, एंड इको मोड में बाइक थोड़ा सा पावर कट कर लेता है एंड आपका जो RPM है वो 7000 RPM मीटर में जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसके चलते आपको बेटर माइलेज तो मिलेगा पर आप लोग टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाओगे। पर जैसे ही आप लोग पावर मोड ऑन कर लेते हो ना, तो वो जो 7000 RPM मीटर का बैरियर है वो मिट जाएगा एंड यू कैन अचीव टॉप स्पीड। सो भाई लोग अभी आ जाते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम पर, तो यहाँ पर आपको बोथ डिस्क एंड ड्रम वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो अगर इस बाइक के डिस्क वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पेडल डिस्क देखने को मिलती है विच इज़ अ वेरी सुपीरियर थिंग, क्योंकि ये टाइप का जो डिस्क होता है ना वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। मान लो आप अगर आप 50-60 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो तो दिस डिस्क विल गिव यू कंसिस्टेंट ब्रेकिंग, मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका ब्रेक फेड हो जा रहा है, कि ये अच्छे से नहीं लग रहा है, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है भाई लोग। सो इस बाइक में जो ब्रेक है सामने वो तो डिस्क ब्रेक है बट पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है, तो सामने का जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फंक्शन करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पीछे का जो ड्रम ब्रेक है ना वो उतना अच्छा नहीं है मेरे माने तो। और मुझे लगता है कि अगर TVS में पीछे भी डिस्क ब्रेक दिया होता तो और भी अच्छा होता और राइडर का जो सेफ्टी है वो और भी बढ़ जाता। सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक आई फील कि इस बाइक में अगर पीछे भी डिस्क ब्रेक दे देते TVS वाले तो और भी अच्छा होता। सो भाई लोग इस बाइक में और एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है, दैट इज़ इंटेरिको टेक्नोलॉजी, जिसको आप स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। मान लो अगर आप बहुत देर से ट्रैफिक में रुके हुए हो तो बाइक ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर फिर से आप लोगों को बाइक स्टार्ट करना है ना, तो तभी आपको इग्निशन स्विच नहीं मारना होगा, जस्ट थ्रॉटल घुमाओ और बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका फ्यूल भी बचता है और इस बाइक में आप लोगों को 10 लीटर फ्यूल कैपेसिटी मिलता है भाई लोग। सो अभी आ जाते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, एंड दैट इज़ माइलेज। तो TVS वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि इस बाइक से आप तकरीबन 67 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज अवेल कर सकते हो, पर मैंने मानो तो आप एटलीस्ट 55 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा माइलेज तो अवेल कर ही लोगे, उससे कम तो नहीं होगा अगर आप ठीक से बाइक चलाओ तो।
सो अभी बात करते हैं इस बाइक के क्लच को लेकर। इस बाइक में क्लच बहुत ही लाइट है एंड इस बाइक में आप लोगों को 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेगा एंड द शिफ्टिंग ऑफ द गियर इज़ वेरी स्मूथ एंड कोई भी अननेसेसरी प्रेशर आपको गियर लीवर में डालना नहीं होगा, तो शिफ्ट द गियर बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम्फर्टेबली आप गियर शिफ्ट कर पाओगे एंड बहुत ही एक प्रीमियम फीलिंग आएगा। सो भाई लोग अभी बात करते हैं इस बाइक के रियर व्यू के बारे में। मैंने कहा कि सामने से बाइक का एक नेकेड एग्रेसिव लुक आता है, पर रियर जो व्यू है ना वो बहुत ही सटल है। पीछे आपको LED टेल लैम्प मिल जाती है और हैलोजन टर्न सिग्नल मिल जाती है एंड मुझे फिर से लगता है कि अगर इंडिकेटर्स भी LED होता तो और भी अच्छा होता। तो पीछे आपको रियर टायर में 100 सेक्शन टायर मिल जाते हैं जो कि बाइक को बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी देगा। इस बाइक में आप लोगों को अलॉय व्हील्स के साथ साथ ट्यूबलेस टायर्स भी देखने को मिलेगा। सो अभी आ जाते हैं इस बाइक के सीट पर। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगा एंड बोथ द सीट्स आर रियली वेरी कंफर्टेबल एंड स्पॉन्जी एंड ये भी आपको हेल्प करेगा एक कंफर्टेबल एंड लॉन्ग राइड लेने में। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो इस बाइक में है दैट इज़ अंडर सीट स्टोरेज एंड मुझे तो लगता है ये बहुत ही एक यूज़फुल स्पेसिफिकेशन है एंड क्योंकि हम सभी को थोड़ा थोड़ा सामान लेने के लिए भी आजकल बैग ले जाना पड़ता है क्योंकि बाइक में अब तो स्टोरेज का जगह ही नहीं मिलता, पर TVS हैज़ कवर्ड दिस एरिया एज वेल। सो अ बिग थैंक यू एंड अ बिग थम्स अप टू दिस बाइक एंड मुझे लगता है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। सो इस बाइक में और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन जो कि दिया गया है दैट इज़ द चार्जिंग पॉइंट एंड आई फील कि आज के ज़माने के बाइक में चार्जिंग पॉइंट होना बाइक में इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एवरी बाइक शुड हैव। सो लेफ्ट हैंडल बार में आप लोगों को मिल जाएगा पास का स्विच, अपर डिपर का स्विच, इंडिकेटर का स्विच और ऑन, और राइट हैंडल बार में आप लोगों को इको और पावर मोड एंड इग्निशन का स्विच देखने को मिलेगा। सो अभी आ जाते हैं इस बाइक की वजन की तरफ। दिस बाइक ओनली वेज अराउंड 123 kg। भाई लोग बहुत ही लाइट वेटेड मशीन है एंड फॉर दैट रीज़न ओनली इस बाइक को मैनूवर करना ट्रैफिक में बहुत ही आसान हो जाता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही नेकेड एग्रेसिव लुक है एंड बहुत ही स्टाइलिश है एंड उसके साथ साथ लोडेड विद स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस, तो क्या कहने। मुझे तो लगता है TVS हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड और प्राइस भी बहुत ही डिसेंट रखा है TVS ने। 1 लाख 1 लाख 10 के अंदर अंदर ये बाइक आपको मिल जाती है ऑन रोड एंड टू बी ऑनेस्ट और जो भी बाइक है 125 सेगमेंट में, मैं तो इस बाइक को आगे रखूँगा सभी बाइक से एंड आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। अब भी आपका प्रेफरेंस बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद मिला ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ दैट यू हैव गॉट। अडियोस अमिगोज़।